नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट 02। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ एल्युमिनियम क्लीनर यानी एल्युमिनियम ब्राइटनर। आपके घर में एल्युमिनियम के बर्तन होंगे तो उनको क्लीन करते हुए आप देखे होंगे कि आप पूरी तरह वो क्लीन नहीं हो पाते। रस्ट को हटाने के लिए ही आज का वीडियो मैं लाया हूँ। आप ये देख सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आपके सामने है, ये केमिकल रिएक्शन होते हुए आप देखा सकता हूँ मैं आपको। इस समय इसका केमिकल रिएक्शन शुरू है और इसे इसी तरह अगर 10 से 15 मिनट में छोड़ दूं तो ये अच्छी तरह क्लीन कर देगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आज जो है किस तरह इस तरह के प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है इसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। इस प्रोडक्ट को बनाने से पहले मैं करता हूं आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के बिजनेस आइडिया और प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। साथ ही दोस्तों मेरा एक और चैनल है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं मैं, उस पर भी आप लोग अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। उस पर भी आजकल रोजाना जो है बिजनेस रिलेटेड वीडियो अपलोड हो रही हैं तो उसे भी जरूर आप देखें। दोस्तों इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको दो केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक होता है साइट्रिक एसिड और दूसरा जो आपका है ग्लूकोनिक एसिड है। ये दो ही केमिकल को यूज़ करके आप इस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। इसमें हम थोड़े पहले पानी ले लेंगे, पानी के बाद इसमें साइट्रिक एसिड, ये नमक जैसा कुछ दिखाई देता है आप देख सकते हैं, ये जो है हमेशा नमक ही जैसा दिखाई देगा पर ये नमक नहीं होता। साइट्रिक एसिड यूज़ करने के बाद हम यूज़ करेंगे ग्लूकोनिक एसिड। इन दोनों प्रोडक्ट को एक साथ लेने के बाद इसे हमें मिक्स कर लेना है। तो चलिए दोस्तों इसको क्लीन करके देखते हैं कि किस तरह रिजल्ट देता है क्लीन करने के बाद। आप देख सकते हैं इस पर कुछ ज़्यादा ही कचरे है और ये देखिए हाथ से नहीं निकल रहा, और ये खास करके एल्युमिनियम है क्योंकि कार टेप है। तो इसमें से हम कुछ मात्रा लेंगे और इस पर छोड़ देंगे कुछ समय के लिए। नॉर्मल मैं हाथों से इसे क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ इस समय, हम देख सकते हैं। जिस पोर्शन पे ये जाएगा वो उसे क्लीन करता चला जाएगा। अब इसे हम तुरंत पोंछ लेते हैं ताकि रिजल्ट क्या आया वो देख ही देंगे। अब देख सकते हैं काफ़ी जो है कचरा निकला है इससे। एक बार दोबारा पोंछते हैं, देख सकते हैं काफ़ी कचरा निकल रहा है। अब इस एरिया में हमने इसे यूज़ किया था, आप देख सकते हैं किस तरह ये क्लीन कर चुका है। एक बार हम यहाँ पे भी क्लीन करके देखते हैं इस पोर्शन को। यहाँ पे भी देख लेते हैं। अब इसको भी हम रगड़ लेते हैं थोड़ा सा, इसका क्लीनिंग का जो तरीका है वो भी एक बार देख लिया जाता है किस तरह क्लीन कर रहा है। मैं ज़्यादा ताकत नहीं लगा रहा हूँ, एक उंगली का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं इसे काफ़ी समय तक के लिए छोड़ दूँ तो इसे उंगली की भी ज़रूरत नहीं होगी, मैं इस तरह के कपड़े को लेके केवल पोंछ दूंगा और क्लीन हो जाएगा। जैसे कि इसमें क्लीन हो जा रहा है आप देख सकते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि कचरा जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। इसी तरह आप पूरे पार्ट को क्लीन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है देख सकते हैं। अगर आपके किसी बर्तन में एल्युमिनियम के इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप इजीली इस तरह निकाल सकते हैं। और ये जो है काफ़ी देर पहले मैंने इसे रखा था, जब वीडियो शुरू किया था आप लोगों को बताया भी था कि इसको देख सकते हैं आप किस तरह दिखाई दे रहा है। ये जो है लोहे के जंग को है मैंने रखा था और इसका देख सकते हैं आप किस तरह जो है इसका रिज़ल्ट आया है। आप देख सकते हैं दोस्तों जब इसे मैं क्लीन करने के लिए डाला हुआ था तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा था, जो कि पूरी तरह क्लीन नहीं था, जंग रस्ट था। और जब क्लीन कर लिया गया इसे तो कुछ ये इस तरह दिखाई दे रहा है।
तो अगर दोस्तों आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट करें।